हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सिखाऊंगी। अपने पहले वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मैं आपको हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि अगर फिगर का नेम गिवन नहीं है तो आप उसे जरूर नेम कीजिए, उससे आपको आंसर लिखने में बहुत मदद होगी। यहाँ पे एंगल जेड एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप एक वर्टेक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो क्योंकि इसने पैरेललोग्राम दे दिया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज वैलिड हो जाती हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द अननोन। अब जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, पैरेललोग्राम की चार प्रॉपर्टीज हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल्स पे बेस्ड है तो इसमें हम ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जो है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर या द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आइए देखिए कौन सा प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पे एंगल की कोई भी डिग्री दी होती है वहां से आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। 50 डिग्री दिया है तो अगर मैं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ तो मेरा एक्स 130 निकल जाता है, और x 130 निकल जाता है तो ऑपोजिट एंगल्स क्योंकि इक्वल मेजर के हैं तो y भी 130 डिग्री निकल जाता है। ये दोनों एंगल नोन होने के बाद हमें निकालना है z, जो एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सटीरियर एंगल नहीं दिए, तो बेस्ट ये है कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल लीजिए और लीनियर पेयर से हम एंगल Z को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर हम फिर से एक बार नेम कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। यहाँ पे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको W नेम कर लेते हैं अपने लिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए, एंगल डी प्लस एंगल ए, आप एंगल डी प्लस सी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को करने का एक ही सेट तरीका है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डी है 50 डिग्री और ए पे एंगल एक्स की फॉर्मेशन है, तो x हो गया आपका 180 माइनस 50 विच इज 130 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ज्योमेट्री में अगर आप कोई भी रिजल्ट यूज करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप देखिए यहाँ पे मैंने बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में अलाउड है। तो ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आप इनका इस्तेमाल अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की डिग्री आ गई 130 डिग्री। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, विच मीन्स एंगल ए क्या था x, जो था 130 डिग्री, और एंगल सी था y। तो इसका मतलब मुझे y की वैल्यू भी 130 डिग्री मिल गई, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है दैट ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो हमको दो एंगल मिल गए हैं, ये 130 ये 130। अब क्या करेंगे, हम एंगल सम लगाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो एंगल सम से मुझे एंगल बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैं यहां पे लगा देती हूं सम ऑफ ऑल
एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. तो डायरेक्टली एंगल भी निकाल लेते हैं. 360 माइनस 50 प्लस 130 प्लस 130 डिग्रीज आप लगा भी सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं, बीच में भी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में लगा सकते हैं. 13 प्लस 13 26 एंड देन 260 प्लस 50 विल गिव मी 310 डिग्री. 360 माइनस 310 तो हमारा ये आ गया 50 डिग्री. मैंने यहाँ पे W मार्क किया था बट जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एंगल B अगर हम लिख रहे हैं तो इंटीरियर एंगल है. अगर आपको किसी और अल्फाबेट से इंडिकेट करने वो भी कर सकते हैं. अब नाउ W और Z कैसे एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हो रहा है सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो W प्लस Z हमें पता है लीनियर पेयर की मदद से हम Z की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो 180 माइनस 50 डिग्री विच विल बी 130 डिग्री इन टोटल. तो आपकी Z की वैल्यू भी 130 आ गई, Y की वैल्यू भी 130 आ गई और X की वैल्यू भी 130 आ गई. कमाल हो गया, सारी की सारी वैल्यूज 130 आ गई. बट इनको निकालने का तरीका हमारा अलग अलग है. अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने का तरीका समझाऊंगी. थैंक यू. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.